हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ शाम के नाश्ते से लेकर डिनर तक का पूरा रेसिपी जो है मैं अपने घर में जो भी बनाने वाली हूँ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अभी 6 बज रहा है और शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे मैं बनाती हूँ चाय। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से पतीले में रख दिया है दूध, तो अब बनाने वाली हूँ मैं चाय। तो सभी लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पतीले में डालते हैं पानी, शक्कर और चाय पत्ती, और जिन तीनों चीज़ जब अच्छे से उबल जाता है उसके बाद में दूध डालते हैं। बट मैं चाय जब भी बनाती हूँ ना, सबसे पहले मैं दूध डालती हूँ, दूध, और उसके बाद जब दूध थोड़ा कम हो और लोग ज़्यादा हो तो थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप पानी भी डाल दिया है, और उसके बाद जब दूध थोड़ा बॉईल हो जाए तब हमें इसमें शक्कर और चाय पत्ती डालना चाहिए। वो क्या होता है ना, कभी कभी दूध जो है अगर वो गर्म ना हो तो दूध की फटने की भी संभावना होती है। तो यहाँ पे दूध हल्का हल्का देखिए गर्म हो रहा है, उसके बाद मैं इसमें शक्कर डाल देती हूँ। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है इसलिए मैंने 3 चम्मच और थोड़ा सा शक्कर ऐड किया है। उसके बाद चाय पत्ती डाल देंगे और दूध को हम कर लेंगे बॉईल। उसके बाद में जब चाय अच्छी तरीके से बन जाएगा, जब चाय अच्छे से उबल जाए उसके बाद इसमें अदरक डालना चाहिए। तो उससे क्या है ना, दूध चाय कभी भी फटता नहीं है, बिल्कुल अच्छे से चाय बन जाती है बस। और जो चाय होती है ना, अगर आप उसको टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, चाय को बहुत देर तक उबालना है, मतलब गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर दें और धीमी आंच पे आप चाय बनाएं, तो वो चाय बहुत ही टेस्टी बनती है। सच में गाइस, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ऐसी वाली चाय पसंद है जो धीमी आंच पे बनी हो और बिल्कुल धीमी धीमी पकी हो, वो चाय बहुत टेस्टी होती है और मुझे तो ऐसी चाय पसंद है। आई होप आपको भी ऐसी चाय पसंद होगी, या अगर आप ऐसे चाय नहीं बनाए होंगे तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। तो अब चाय के उबलने तक का हम वेट कर लेते हैं। चाय उबलेगा जब तक हम क्या करेंगे, वन साइड में हमारा गैस खाली है तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें दाल रख दिया जाए। जब तक मैं चाय पीऊँगी, जब तक कि दाल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं दाल में कुकर में दाल अच्छे से धोकर पानी डाल के रख दी थी। उसके बाद मैंने टमाटर भी कट कर लिया है, देखिए यहाँ पे मैंने दाल और पानी एक साथ में डाल दिया है।
उसके बाद में मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद में इसमें हल्दी और नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कोई कोई लोग हैं जो मसाले वाला दाल बनाते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, बट मैं बिल्कुल सिंपल वाला दाल बना रही हूँ, जैसे कि डेली जो दाल बनता है हल्दी और नमक डाल के और टमाटर डाल देते हैं उसके बाद तड़का देते हैं। तो मैं डेली दाल ऐसी बनाती हूँ, पहले हल्दी डाल देती हूँ, टमाटर, और उसके बाद में डाल देंगे नमक, और जब सीटी लग जाएगी दाल अच्छी तरीके से बन जाएगी तो उसके बाद मैं तड़का देती हूँ जीरा, धनिया पत्ती और हरी मिर्च और प्याज का। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक हल्दी। उसके बाद क्या करेंगे, गैस, नमक डाल दिया मैंने, अब हल्दी डाल दूंगी और अब इसे अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद अब सीटी लगने तक का वेट करना है हमें। शाम के टाइम में दाल चावल सब्जी रोटी बनती है मेरे घर, क्योंकि लंच में चावल जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, ऑफिस हो या कंपनी, वो लोग लंच नहीं कर पाते हैं, चावल दाल नहीं खा पाते हैं। मेरे घर में भी ऐसा ही है, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लंच में चावल दाल नहीं खा पाते हैं, इसलिए मैं डिनर में दाल चावल सब्जी रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया दाल बनने के लिए, दाल बन रहा है जब तक चावल भी हम सॉरी चाय भी हमारा होता रहेगा और दाल भी हो जाएगा साथ में। तो यहाँ पर देखिए चाय जो है, चाय में उबाल आ गया है ये देखिए, और मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है। विदाउट अदरक तो मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। ठंडी के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा मैं अदरक डालती हूँ, और गर्मी का सीज़न होता है तो थोड़ा सा कम डालती हूँ, लेकिन डालती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और अभी तो आ गया है बारिश का मौसम, तो बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय और सुहाना सा मौसम हो, वाह मज़ा आ जाता है अदरक वाली चाय पीने में। तो बस चाय तो मैं भी अच्छे से उबालूंगी, क्योंकि जब तक अच्छे से चाय उबल ना जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक मुझे मज़ा ही नहीं आता है चाय में। तो ये आप देख सकते हैं दाल में भी सीटी लगने लगी है, पानी मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, तो पानी जो है दाल बाहर आ गया है कुकर से, और चाय भी जो है अच्छे से उबल गया है। देखिए 2 मिनट में इसे और उबाल लूँगी, तो अब लगभग चाय मेरा बन के रेडी है। तो मैं इसे नीचे रखती हूँ, और अब ये गैस खाली हो गया है, तो अब मैं इसमें रख दूंगी चावल। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पतीले में चावल को अच्छे से धो लिया था, मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ, चावल और पानी एक साथ में अच्छे से धो के और गैस पर गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई करके ढक के रख देती हूँ, और ये साथ में बिल्कुल बॉईल हो जाता है। ये चावल भी बहुत अच्छा बनता है, अगर आप ऐसे चावल नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा, चावल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, अच्छा चावल बनता है। अब मैं अपने लिए चाय छान लूँगी, घर में चाय पीने वाला कोई नहीं था फिलहाल, तो फ़िलहाल मैं बस अपने लिए छानूँगी। उसके बाद हम रखते हैं एक थर्मस जिसमें कि चाय बिल्कुल गर्म हो, उसमें छान कर हम चाय रख देते हैं, और उससे क्या होता है ना कि बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है, और बार बार चाय बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। माना कि हमारे घर में कोई लोग होते हैं जो बार बार चाय पीते हैं, या 2-3 लोग हैं और वो बिल्कुल एंड टाइम पे नहीं है, उनको चाय पीना है, तो मैं ऐसे थर्मस में डाल के रख देती हूँ, जब भी कोई आता है बस कप निकाले और डाल के दे दिए। उससे क्या है ना, थोड़ा सा झंझट नहीं होता है, नहीं तो बार बार चाय बनाओ या चाय गर्म करो बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मेरा चाय थोड़ा सा बच गया था, थर्मस जो है बिल्कुल फिल हो गया था। तो मेरी दीदी का बेटा है वो भी चाय पीता है, वो आ गया था, बोल रहा था कि मामी चाय दे दो, तो फिर मैं उसे चाय दे दूँगी। और उसके बाद में मैं आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाई हूँ, मतलब चाय के साथ में खाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो बस एक पंजाबी तड़का वाला कुरकुरे आता है जो मुझे बहुत पसंद है, तो आज मैं उसके साथ ही चाय पीने वाली हूँ। बहुत ही मज़ा आता है सच में, मतलब बच्चों वाला है वो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज ना मक्खी कुछ ज़्यादा ही लग रहे थे, बार बार इतना क्लीन रखा था मैंने, उसके बाद भी मक्खी लग रहे थे। अभी अंशु नहीं था तो मैं उसका चाय ढक के रख दी, और अब मैं अपने प्लेट में ले लेती हूँ चाय, और साथ में मैं खाने वाली हूँ पंजाबी तड़का जो कि बहुत ही टेस्टी एक कुरकुरे है। सीटी लग रही है, मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है, लो फ्लेम पे सीटी लग रही है, देख रहे हो आप कैसे मक्खी उड़ रही थी, मैं बार बार हटा रही थी बट वो बार बार आ जा रहा था। तो ये
शाम का स्नैक्स चाय के साथ में मेरा रेडी हो गया है। देखिए अब मैं इसे फटाफट से खा लेती हूँ जब तक दाल और चावल दोनों बन जाएगा मेरा। तो ये देखिए अब मैं चलती हूँ और इसे खाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा शाम का नाश्ता हो गया है और अब दाल भी लगभग हो गया है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अब चावल चेक करती हूँ तो चावल में उबाल आने वाला है। जब ऐसा चावल आप बनाए ना तो गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल हाई रखना है, हाई फ्लेम पे चावल बनना चाहिए तो चावल ख़राब नहीं होता है। तो गैस मैंने दाल का ऑफ कर दिया है और अब दाल ठंडा हो जाएगा, कुकर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे दूसरे बर्तन में पलट कर तड़का देने वाली हूँ। और अब मैं सब्जी का छौंक लगाने वाली हूँ तो क्या करूँगी, ये जो पतीला है इसे मुझे उस साइड रखना है क्योंकि इस साइड मुझे सब्जी बनाना है, इस साइड मैं कंफर्टेबल रहती हूँ सब्जी बनाने में, इसलिए मैं ये जो चावल है इसे मैं उस साइड कर दूँगी और सब्जी को इस साइड करके फटाफट से सब्जी में तड़का दे दूँगी। तो मैं इसे रख लेती हूँ साइड में बिल्कुल सावधानी से। अगर आप ऐसा कोई काम करें ना तो आराम से बिल्कुल कीजिएगा, बहुत डर होता है अगर गिर उर गया तो बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ एक बड़ा सा कढ़ाई क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सहजन की सब्ज़ी, और सहजन की सब्ज़ी बड़े से कढ़ाई में बनाओ ना तो ही अच्छा होता है, वरना छोटे से में वो टूट जाता है, अच्छे से नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दिया, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में मैं सब्ज़ी बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ
और वैसे हमारे घर रिफाइंड ऑयल में भी बनता है, लेकिन जब मुझे बनाना होता है ना तो मैं मस्टर्ड ऑयल में खास करके बनाती हूँ। जब कोई चीज़ सूखा फ्राई करना होता है तो मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ, वरना मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। तो कढ़ाई जो है गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल दी। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा और साबुत लाल मिर्च। बस सिंपल सा तड़का है मेरा। सहजन की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, बट बनाना बहुत इजी है, टेस्टी भी बहुत लगता है और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सिंपल तरीके से ही मैं बना रही हूँ। कभी दिन मैं आपके साथ में स्पेशली सहजन की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो अच्छे तरीके से कैसे बनता है प्रॉपर वो मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं बस ऐसे सिंपली आपको बता रही हूँ कि मैं रेगुलर घर में कैसे बनाती हूँ। कभी कभी कोई चीज़ होती है जो बहुत अच्छे से बनाया जाता है, उसका टेस्ट अलग आता है, लेकिन रेगुलर तो सहजन की सब्ज़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ और मुझे ऐसे पसंद भी है। सभी को पसंद आता है घर में। तो जब तेल तो हम उसमें तड़का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म है, आधे छोटा चम्मच से मैं डाल रही हूँ जीरा। उसके बाद डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। जब जीरा थोड़ा तड़क जाए ना, उसके बाद डालना है हमको साबुत लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेथी डाला, मतलब एक दो दाने हैं मेथी के, ज़्यादा नहीं है। लाल मिर्च को मैं तोड़ दी थी, वो डाल रही हूँ। अब इसे थोड़ा पकने देंगे। जब ये पक जाएगा उसके बाद मैंने आलू कट किया है, आलू को अच्छे से छिल के धो के रख लिया था पहले से ही, वो डालेंगे। बीच बीच में मैं चावल भी देखते रह रही हूँ, कहीं चावल गीला ना हो जाए सब्जी बनाने के चक्कर में। तो बस यहाँ पे आलू डाल लेंगे और आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद में ही हम सहजन ऐड करेंगे इसमें। Thank you.
तो यहाँ पे देखिए आलू जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है क्योंकि सहजन डालने के बाद सहजन के साथ में भी आलू फ्राई होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें। फिर भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था। उसके बाद अब मैं सहजन डाल दूँगी। और इसे आप क्या कहते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमारे इधर तो इसे सहजन कहते हैं। और अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी ज़्यादा और सहजन की कम है ना, ऐसा लग रहा होगा आपको। वो क्या है ना, यहाँ पे सभी लोग ना आलू, मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो आलू पसंद करते हैं कि रस्से वाली सब्ज़ी में आलू हो, तो ऐसा खाते हैं वो लोग। इसलिए मैंने आलू की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और सहजन की कम रखी है। और अब अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे सहजन को। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल जो है उसका पानी मैंने निकाल लिया है और चावल ऑलमोस्ट हो ही गई है। देखिए बिल्कुल अच्छे चावल बनी है, आप देख सकते हैं कोई गीला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल फूल के जैसे चावल बन गया है। चावल रेडी है, अब मैं इसे गैस का फ्लेम ऑफ़ करके गैस से इसे हटा दूँगी और अब सब्ज़ी पर कॉन्सन्ट्रेट करेंगे और अब सब्ज़ी बना लेंगे। तो बस सब्ज़ी भी फ्राई हो जाएगी फटाफट, उसके बाद में मसाले डालेंगे, पानी डालेंगे और सब्ज़ी बॉईल हो जाएगी, सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। Thank you.
तो यहाँ पर देखिए सहजन भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, लाल हो गया है सहजन, आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसमें मसाले डालने वाले हैं। तो मैं मसाले ना पहले से पीस के फ्रिज में रख देती हूँ, ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ 1-2 दिन के लिए। तो मैंने इसमें लहसुन, अदरक और क्या डाला है, इलायची, लौंग, धनिया, जीरा, इतनी चीज़ डाल के मैंने इसे पीस लिया है और 2 चम्मच मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ। उसके बाद सूखे वाले मसाले में मैं डालूँगी हल्दी और लाल मिर्च, बस इतना ही चीज़ डालना है। और गरम मसाला अगर आपको डालने की इच्छा हो ना तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं था इसमें डालना गरम मसाला, तो मैंने थोड़ा सा 2 पिंच डाल दिया था। हल्दी डाल दूँगी और उसके बाद मैं टमाटर डालकर, नमक डालकर, हल्का सा पानी डालकर पहले मसाले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाले भी फ्राई करने में ना टाइम लगता है थोड़ा सा, बस गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखते हुए फ्राई करना है, तेज़ मत कर दीजिएगा वरना मसाले जो हैं पूरे तरीके से जल जाएंगे। तो बस इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद अब इसमें नमक डाल दूंगी, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और उसके बाद में जो टमाटर भी मैंने पहले से काट के रखा है उसे डाल दूंगी। ये मक्खी आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, बट मैंने खाने में एक बार भी इनको बैठने नहीं दिया है क्योंकि मैं बार बार हटा दे रही थी। बस ये ऊपर ऊपर ही उड़ रहे थे, खाने में नहीं बैठ रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, आज कुछ ज़्यादा ही उजाला था ना और आज पानी बहुत ज़्यादा गिरा था इधर, इसलिए इस वजह से, और लाइट भी जल रहा था इसलिए शायद मक्खी कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे थे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया और अब इसे ढक देंगे हम, ढक ढक के धीमी धीमी आँच पे हमें इसे पकाना है। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ जिससे कि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए, धीमी आँच पर पका लेंगे। कुकर हो गया है खाली, मैंने एक बर्तन में दाल को खाली कर दिया है। अब दाल में तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे तड़के वाला पैन लिया है, तो यहाँ पे तड़के वाला पैन लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे तेल। तेल डालने के बाद जीरा और हरी मिर्च और प्याज मैंने पहले से कट करके रखा है बारीक बारीक, वो डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और धनिया पत्ती ना मैं डायरेक्ट दाल में ही डाल देती हूँ, मतलब जब दाल खाली करो किसी बर्तन में तो उसमें डाल देती हूँ तो वो अच्छे से हो जाता है, या कभी मेरा मन होता है तो मैं तड़के में भी डाल देती हूँ, बट वैसे भी डालना से भी अच्छा लगता है और तड़के में भी डाल दो तो अच्छा ही लगता है। तो बस मैंने डाल के फटाफट से तड़का दे दूँगी।
प्याज या किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, बस हल्का हल्का, जब ब्राउन कलर का लगने लगे प्याज के, हल्का ब्राउन हो रहा है बस हमें इतना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए जब ये ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें दाल में डाल के छन से तड़का दूंगी। बहुत ही अच्छा है, इसका आवाज़ आता है ना, आपने कभी ट्राई किया है? बहुत मज़ा आता है। दाल में लग गया है तड़का, तो अब हम देख लेते हैं अपनी सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी देखिए कितनी टेस्टी बन रही है, वाह! सच में मुझे बहुत ही पसंद है ये सहजन की सब्जी, आई लाइक इट। चला लेते हैं पहले हम इसे, और ऐसा लगेगा हमें कि ये मसाले हो गए, मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मसाले से अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो उसके बाद मसाले अच्छे से पक गए हैं, तो उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सूखी सब्जी खाते हैं, बट सहजन की सब्जी ना थोड़ी सी मतलब तरी वाली अच्छी होती है, ग्रेवी वाली। तो बस मैं इसे ग्रेवी वाली बना रही हूँ। पानी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। उसके बाद में मैं आटा गूंदने वाली हूँ।
तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन चुकी है लगभग, और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रेवी बन गई है। देखिए पानी इसका सूख गया है, अच्छी ग्रेवी है। तो मैंने बारीक धनिया पत्ती कट करके रखा है, उसे डाल देंगे। सब्जियों की तो जान होती है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डालते ही खुशबू भी अलग सी आने लगती है और साथ में देखने में भी इसकी लुकिंग चेंज हो जाती है। तो बस मैंने धनिया पत्ती डाल दिया और अब इसे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे रख देंगे। उसके बाद में अब हम बनाने वाले हैं रोटी। तो रोटी के लिए भी मैं आटा पहले से गूंद ली थी, तवा रख दी हूँ गैस पर। तवा जब गर्म हो जाएंगे उसके बाद हम फटाफट से रोटी बना लेंगे। फ्रेंड्स पता है आपको, रोटी ना जब मैं घर में बनाती हूँ तो मेरे घर में सभी को रोटी मेरे हाथ का बहुत पसंद है। सब कहते हैं कि जब मैं रोटी बनाती हूँ ना बहुत सॉफ्ट रोटी बनता है। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि तुम अपनी रोटी की जो सीक्रेट है ना वो शेयर करो यूट्यूब पे, सारे ही रेसिपी शेयर करती हो, एक बार रोटी बनाना भी अच्छे से शेयर करो क्योंकि तुम्हारे हाथ की रोटी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी होती है। तो वो उनकी फरमाइश है, तो मैंने सोचा है एक बार मैं ज़रूर शेयर करूँगी यूट्यूब पे। तो आज तो मैं बस नॉर्मली बता रही हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से एक बार शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी अच्छे से गोल गोल बेल लिया है, मुझे आता है गोल गोल बेलने, बहुत ही अच्छे से मैं रोटी बनाती हूँ। और उसके बाद तवा जो है वो भी गर्म हो गया है, तो अब फटाफट से मैं तवे पे बेलूँगी, चकले पे बेलूँगी और तवे पे रोटी सेकूँगी और फटाफट से रोटी भी बन के हो जाएगी रेडी। एक साइड जब अच्छे से रोटी हो जाती है ना उसके बाद इसे अच्छे से हमें कर लेना चाहिए, तवे हटा के सिकाई। तो ये देखिए बिल्कुल फुली फुली और सॉफ्ट और बहुत ही पतली रोटी बन गई है। बस फटाफट से मैं ऐसी रोटी बना के रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना सर्व करूँगी और सभी लोग खाएंगे खाना।
तो बस ये लास्ट रोटी है मेरी। रोटी बन गई, उसके बाद अब मैं थाली लगाने वाली हूँ और सभी हम खाना खाने वाले हैं। रोटी बन गई है। गर्मी के दिनों में रोटी बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है यार, सच में। अब मैं कर लेती हूँ थाली रेडी। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ले लिया है और मैं प्यारा सा वो प्लांट भी रखती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है सब्जी। सब्जी जो है थोड़ी ग्रेवी वाली थी इसलिए मैंने अलग से एक प्लेट में निकाला है। उसके बाद दाल निकाल लूँगी। तो दाल के लिए भी यहाँ पे मैं एक कटोरी रख लेती हूँ, छोटा सा बाउल, इसमें हम दाल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं दाल निकाल लेती हूँ। दाल मैंने थोड़ा सा ना पतला बनाया है क्योंकि मेरे घर में सभी को थोड़ा सा पतला दाल पसंद है, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया है। मतलब जब भी मैं दाल बनाती थी कहते थे कि थोड़ा पतला बनाओ, थोड़ा पतला बनाओ, और आज मैंने पतला बनाया तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही पतला कर दिया है। ये कौन सी बात होती है यार। उसके बाद चावल सर्व कर लेंगे। देखिए मेरा चावल कितना अच्छा बना है, कोई झंझट नहीं है चावल बनाने में। फटाफट से मैं प्रेशर कुकर में चावल नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसका चावल मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। जिसको पसंद है वो खाता, मतलब कभी कभी बना सकते हैं, जीरा राइस या पुलाव बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, तो बट डेली के लिए ना मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ। और ये चावल मेरा बहुत मस्त बनता है, सच में बहुत पसंद आता है। और ये चावल बनाना मैंने किससे सीखा था पता है आपको? मेरी एक चाची है, वो ऐसे ही चावल बनाती थी तो मैं उनसे सीखी। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जैसे चावल बनाने में कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो पहले हम बनाते थे, मम्मी बनाती थी, पहले पानी रखेगी, पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद चावल डालती थी, वो बहुत झंझट लगता था मुझे। उसके बाद दो रोटी रख दिया मैंने, और सैलेड में मैं आज सिर्फ प्याज रख रही हूँ क्योंकि प्याज ही था, टमाटर खाने की इच्छा नहीं थी। तो ये आज का थाली मेरा हो गया है रेडी। देखिए वाह, मज़ा आ रहा है ना। किसके किसके मुँह में पानी आया मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसको पसंद है ये खाना। मुझे बहुत पसंद है खाना, सिंपल खाना मुझे बहुत पसंद है। और ये जो सब्जी है ना, ये तो मेरी फेवरेट है, इतना ज़्यादा पसंद है ना मुझे। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया था इसलिए मुझे लगा मैं और अच्छे से इसे कर दूँ सही, तो मैंने फिर से इसे सही कर दिया। और किसी को खाना दो तो अच्छे से दो तो अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया है सही। अब फटाफट से आप खाना खा लें और मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि आपको मेरा ये खाना कैसा लगा। और भी अगर ऐसी कोई रेसिपी आप चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। और ये मेरी लॉन्ग वीडियो है, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और आज मैं खाना बना ली, उसके बाद ना मैं बनाने वाली थी इमली की चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। और साथ में मैं इसके साथ में मैंने सोचा क्यों ना और शेयर कर दूँ मैं इमली की चटनी। इमली की चटनी बना के मैं फ्रिज में रख ली थी और मस्त एक हफ्ते तक तो चली जाता है, खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने बना लिया है इमली की चटनी और ये बहुत ही टेस्टी है। इसकी फुल वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी थोड़े ही दिनों में। और इसके इसमें भी मैंने इसे ऐड किया है, इसमें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है एक पैन, गैस अभी मैंने ऑन नहीं किया है, प्लेटफॉर्म पे हम पैन रखेंगे। उसके बाद जो साबुत लाल मिर्ची होती है वो लिया है मैंने 10, 8, 9, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके बाद लेंगे हम साबुत धनिया, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है जीरा। सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे। उसके बाद 2 चम्मच लेंगे साबुत धनिया, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया ले लिया है। उसके बाद 1 चम्मच लेंगे हम सौंफ, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच हमें अजवाइन लेना है। तो ये सूखे जो मसाले हैं वो हो गए हैं मिक्स। उसके बाद हम करेंगे गैस ऑन और गैस का फ्लेम बिल्कुल रखेंगे लो। लो फ्लेम पे सूखे साबुत जो मसाले हैं इसे अच्छे से बिल्कुल फ्राई करना है, जब तक कि इसकी जो खुशबू है पूरे घर में ना घूमने लगे, जब तक हमें इसे फ्राई करना है। यस फ्रेंड, हमें इसे बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। इसकी जो खुशबू है ना बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हाँ घर में कुछ अच्छा बनने वाला है। तो बस गैस का फ्लेम लो कर दें, लो फ्लेम पे इसे इजीली फटाफट से करते रहें फ्राई।
चलाते हुए इसे हमें फ्राई करना है, तो ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो जाएगी और अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो भी हो गया है चेंज और अच्छे से ये हो गया है बिल्कुल क्रिस्प। तो गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ और इसे होने देंगे ठंडा, उसके बाद इसे करेंगे ग्राइंड मिक्सर ग्राइंडर में डालकर। तो यहाँ पर मैंने लिया है इमली, तो इमली को मैंने ओवरनाइट अच्छे से पानी में भिगो कर रखा था। पहले इमली मैंने अच्छे से धो लिया, उसके बाद इसे पानी में भिगो कर रख दिया। और अब क्या करना है, इसे अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसके जो बीजे और रेशे होते हैं उसे हमें निकाल लेना है। तो इसे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स और इसके पल्प निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके पल्प निकाल लिए हैं, बहुत आसानी से निकल जाता है। आप चाहें तो इसे छन्नी से छान भी सकते हैं, बट मेरा बिल्कुल पल्प अच्छे से निकल गया था। उसके बाद गैस पर रख देंगे एक पैन, पैन जो है मोटे तलवे वाला और थोड़ा बड़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो हम डालेंगे सौंफ, उसके बाद मेथी। तो छोटे चम्मच से मैंने सौंफ डाला है और छोटे चम्मच से मेथी डाला है। और जब ये दोनों अच्छे से क्रैक हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च और तेज़पत्ता। तो यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाल दिया, उसके बाद साबुत लाल मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से हो जाने देंगे फ्राई। मतलब इसका कलर जो है थोड़ा सा डार्क हो जाए, इतने देर तक हम इसे फ्राई कर लेना है। इसकी भी अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब तक हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। तो अब ये हो गया है बिल्कुल अच्छे से फ्राई, देखिए कलर चेंज हो गया है। उसके बाद इमली के जो पल्प हैं बिल्कुल सावधानी से डालें आप, वरना बहुत तेज़ से ये छींटा उड़ता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया और अभी भी आपको गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रखना है और अच्छे से चलाते हुए इसे कर लेना है फ्राई, बोल लो या इसे पका लो, बस इसे अच्छे से पकाना है। तो इसे पकाने में बहुत टाइम लगता है, धीमी आंच पे ये आसानी से पकता है। तो आप क्या करें, फ़ोन चला ले थोड़ी देर सो जाएं, बस इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए, जब तक हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है और बीच बीच में चलाते भी रहना है, जिससे कि नीचे से ऐसा ना हो कि बिल्कुल चिपक जाए। तो बस इसे चलाते रहेंगे और इसमें बॉईल आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, तो बस इसे चलाते रहेंगे। इमली का चटनी जो है ना बहुत ही टेस्टी होता है, मतलब ये अगर हम बना के काफ़ी दिनों तक चलता है फ्रिज में रख लेना तो बिल्कुल आसानी से बहुत टाइम तक चलता है। तो उसके बाद मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, जब अच्छे से बॉईल हो जाए ना तो उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करना है। तो गुड़ की जो क्वांटिटी है ना, जितना इमली होता है उतना हमें गुड़ भी डालना है, दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होती है तो बिल्कुल परफेक्ट मैच होता है और बहुत ही अच्छा, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट अच्छा आता है। फिर अगर हम इमली ज़्यादा करेंगे वो खट्टा हो जाएगा, या गुड़ ज़्यादा करेंगे और वो मीठा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता है। दोनों का फ्लेवर बिल्कुल बराबर आता है ना, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। तो नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, गुड़ डाला है हमने तो इसमें नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बट फिर भी डालना है जिससे कि फ्लेवर अच्छा आए, सब चीज़ों का कंबाइन जो टेस्ट होता है वो अच्छा आना चाहिए। और बस इसे भी अब फिर से हम उबलने का वेट करेंगे, अच्छे तरीके से ये उबलेगा जब तक गाढ़ा ना हो जाए, थिक ना हो जाए, जब तक हमें इसे उबालते रहना है। और जो हमने मसाले तैयार किए हैं वो हमें लास्ट में डालना है, तो बस इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। और घर के कुछ काम है ना तो आप वो भी कर लें, क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगता है और इसे उबलने में गाढ़ा होने में बहुत टाइम लगता है। तो ये गाढ़ा होना वैसे स्टार्ट हो गया है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, कितना अच्छा कलर आया आप देख सकते हैं। तो जब ये गाढ़ा होना अभी स्टार्ट हो गया है तो जो हमने मसाले रेडी करके रखे हैं ना उसे डाल देना है। तो देखिए मैंने इसे दरदरा सा ग्राइंड किया है, बहुत ज़्यादा दरदरा या बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, अच्छे से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब कर देंगे इसमें मिक्स, अच्छे तरीके से चला लेंगे और अब थोड़ा सा गाढ़ा ये हो जाए, इतने देर तक का हमें वेट करना है। अभी थोड़ा पतला है और ठंडा होने के बाद ना ये और भी ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, बट अभी ये थोड़ा मुझे पतला लग रहा था तो मैंने सोचा 5 मिनट और गाढ़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच और अच्छे से हम कर लेंगे इसे मिक्स।
इसका कलर आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा ग्लेज आया है इसमें जब हमने इसमें डाल दिया है गुड़, तो अच्छा कलर भी आ गया है और ग्लेज भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये हो चुका है गाढ़ा, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा छीटा उड़ता है, जलने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ये देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है ना, तो अब आपको गैस का फ्लेम कर देना है ऑफ़, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इमली की चटनी को हो जाने देंगे ठंडा, उसके बाद हम इसे खाएंगे पूरी के साथ, समोसे के साथ या बड़ों के साथ, जितने भी चीज़ों के साथ खाना, बड़ा के साथ तो और भी अच्छा लगता है, आप खा सकते हैं। तो अब आप करिए इमली की चटनी को इंजॉय। तो ये लीजिए इमली की चटनी बनके रेडी हो गई है। फ़िलहाल मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं इसे बनाकर फ्रिज में रख दी थी और दूसरे दिन मैंने इसे मज़े से खाया था। खाने के साथ में भी ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब खट्टा मिट्टा इसका फ्लेवर जो आता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी मेरी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। सो हे गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपसे ऐसी ही वीडियोस के साथ में मिलूँगी। और भी कोई रेसिपी आप चाहते हैं जो कि मेरे चैनल पर अपलोड नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट करें, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अब आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।